नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारा आज का विषय अंगूठे के पर्व। कई भ्रांतियां हैं अंगूठे के पर्वों के बारे में। आइए करते हैं विश्लेषण और कोशिश करते हैं उन भ्रांतियों को दूर करने की। देखिए, मेरे सामने अंगूठा तो हमसे बताया जाता है, हमने पढ़ा है, जाना है कि अंगूठे का 3 पर्व होते हैं। टॉप फैलेंज, दूसरा पूरा मिड फैलेंज, और जो शुक्र क्षेत्र होता है ना, इसको बोलते हैं थर्ड फैलेंज। जबकि मुझे थोड़ा सा यहाँ सोच मेरी हटके है। मैं मानता हूँ कि जो अंगूठे की ये नीचे और लाइन है ना, ये बेस, ये है फैमिली रिंग, मल्लिका रेखा। और जो ये रेखा है ना अंगूठे के, ये है रति रेखा। जो फैमिली रिंग है वो दिखाती है हमारा पारिवारिक सुख, और जो रति रेखा है वो दिखाती है हमारा वैवाहिक सुख। अब यहाँ पर तो काम भावनाएं, भोग वासनाएं, प्रेम भावनाएं हावी होती है ना, परिवार में खुशहाली के लिए, वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए। तो रति रेखा तक मैं शुक्र ही मानता हूँ। रति से ऊपर अब मेरे लिए अंगूठे के 2 पर्व हो गए, टॉप फैलेंज और बेस फैलेंज। यहाँ जो टॉप फैलेंज है वो दिखाता है संकल्प शक्ति, हमारे विल पावर, हमारा जोश, हमारा उत्साह। और जो नीचे वाला फैलेंज है, लोअर फैलेंज, ये दिखाता है हमारी सोच, हमारा विचार, हमारे लॉजिक, हमारे थॉट्स के बारे में। और दोनों के बीच यहाँ पर ये एक दीप बनता है जो टॉप फैलेंज का बेस होता है, इसको बोलते हैं फिनिक्स आई। शुभ अवस्था में हो तो बहुत ही शुभ मानी जाती है, धन संपन्नता के बारे में बतलाती है ये। टॉप फैलेंज अगर लंबा है तो जातक के पास में संकल्प शक्ति ज़्यादा होती है, उत्साह ज़्यादा होता है, जोश ज़्यादा होता है, अधिकतर उत्साह उत्साह में काम करने के लिए कूद पड़ता है, और परिणाम अक्सर हानि होती है, असफलता होती है। अगर मिड फैलेंज ज़्यादा बड़ा है तो आदमी सोचता बहुत है, सोचता ही रहता है, निर्णय कर नहीं पाता, प्लानिंग कर नहीं पाता, और वो काम करेगा ना प्लानिंग के। और ऊपर वाला फैलेंज छोटा है तो जोश कम है, रिजल्ट फिर असफलता। तो सफलता के लिए हमारे दोनों पर्व संतुलित अवस्था में होने चाहिए, दोनों समान लंबाई के हों, समान चौड़ाई के हों, और समान मोटाई के हों या पतले हों। अगर ऐसा है तो अब दोनों पर्वों के बीच में संतुलन बन गया, अब जातक को सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये कुछ तथ्य थे अंगूठे के पर्वों के बारे में। आशा करता हूँ आपका ज्ञान अर्जन हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।